हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज की ये वीडियो है WWE बिग डॉग रोमन रेंज के ऊपर। इस वीडियो में आज हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं कि क्यों वो बेस्ट हैं रॉयल रंबल के लिए। जैसा कि अभी हाल ही के रॉयल रंबल में हमने देखा कि वो लास्ट टू तक पहुंचे थे। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। हम लोग जानते हैं और देख भी रहे हैं कि किस तरह से रसलमेनिया 33 के बाद से ही रोमन रेंज को हेट मिल रही है वहां के क्राउड से। साल 2017 के एंड में थोड़ा लगा कि रोमन रेंज को हेट मिलना कम हो रही है, बट अभी की बात करें तो देख के लग रहा है कि ये फिर से वहीं पर है, उन्हें फिर उतनी ही हेट मिल रही है। खैर, ये तो चला आ रहा है और पता नहीं कम या खत्म कब होगा। जैसा कि हमने इस बार के रॉयल रंबल पीपीवी में देखा, बिग डॉग ने नंबर 28 पे एंट्री करी और वो फाइनल तक पहुंचे, बट एंड में नाकामुरा ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया, जिसके बाद वो रॉयल रंबल को नहीं जीत पाए। वैसे कहा जाए तो रोमन रेंज बेस्ट है रॉयल रंबल के लिए, या यूं कहूं परफेक्ट है रॉयल रंबल के लिए। अब जो उन्हें हेट करते हैं वो शायद ना माने, बट आंकड़े कुछ इसी ओर इशारा करते हैं। वही आंकड़े आपके सामने आज रखूंगा। पसंद आया तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। आपको बता दूं, रोमन रेंज के रॉयल रंबल करियर में वो साल 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 लगातार 5 साल वो लास्ट 3 तक पहुंचे हैं। वहीं बात करूं मैं साल 2014, 2017 और 2018 की, तो रोमन रेंज WWE में इकलौते ऐसे प्लेयर हैं जो 3 बार रनर अप बने हैं रॉयल रंबल के, मीन लास्ट 2 तक पहुंचे हैं। वैसे रोमन रेंज ने रॉयल रंबल को साल 2015 में जीता भी है। एक और रिकॉर्ड की बात करूं तो उसमें रोमन रेंज नंबर 1 नहीं है, बट रॉयल रंबल के रिकॉर्ड में टॉप 10 में जरूर आते हैं। रोमन रेंज इस लिस्ट में नंबर 7 पे आते हैं। उनके नाम रिकॉर्ड है साल 2016 में 59 मिनट 50 सेकंड तक रिंग में रहने का। इसका मतलब उनसे पहले केवल 6 सुपरस्टार हैं जो 59 मिनट 50 सेकंड से ज्यादा देर तक रिंग में रहे थे। वहीं बात करूं साल 2014 की, तो बिग डॉग ने इस साल रॉयल रंबल में केन के रिकॉर्ड को तोड़ा था। वो था सबसे ज्यादा सुपरस्टार को एलिमिनेट करने का। रॉयल रंबल में केन के नाम 11 सुपरस्टार को एलिमिनेट करने का रिकॉर्ड था। रोमन रेंज ने इस साल 2014 के रॉयल रंबल में 12 सुपरस्टार को एलिमिनेट किया, जो कि अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। कई ज्ञानी मानते हैं कि रोमन रेंज के इस रिकॉर्ड को मॉन्स्टर अमंग मैन ब्रॉन स्ट्रोमैन ही तोड़ सकते हैं, और ब्रॉन स्ट्रोमैन साल 2017 में इसके करीब भी पहुंचे थे। उन्होंने एक के बाद एक 7 सुपरस्टार को एलिमिनेट किया था, बट उसके बाद वो खुद बाहर हो गए थे। रोमन रेंज के नाम रॉयल रंबल का एक और रिकॉर्ड है जिसपे वो नंबर 7 पर आते हैं, जिसमें रोमन रेंज अब तक 5 बार रॉयल रंबल में हिस्सा ले चुके हैं और उन्होंने टोटल 30 सुपरस्टार को एलिमिनेट किया है अब तक, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। कमाल की बात यह है कि इस लिस्ट में रोमन रेंज से ऊपर जो भी 6 सुपरस्टार हैं वो या तो WWE से रिटायर हो चुके हैं या आने वाले टाइम में वो रिटायरमेंट ले लेंगे। सबसे ज्यादा सुपरस्टार को एलिमिनेट करने का रिकॉर्ड केन के नाम है। उन्होंने 19 रॉयल रंबल में 44 सुपरस्टार को एलिमिनेट किया है। अब देखा जाए तो रोमन रेंज के पास अभी बहुत रेसलिंग बाकी है। तो ये थे कुछ आंकड़े जो वाकई साबित करते हैं कि रोमन रेंज परफेक्ट है रॉयल रंबल के लिए। मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा जो वाकई रोमन रेंज को पसंद नहीं करते, मत करें, बट उनके रिकॉर्ड और अचीवमेंट्स को तो मानो यार। मैं साल 2018 के रॉयल रंबल की एक बात से नाखुश हुआ, वो ये कि रोमन रेंज को नाकामुरा ने बाहर करा। इससे बढ़िया होता कि उन्हें जॉन सीना या फिन बेलर ही बाहर कर देते, और क्राउड सबसे ज्यादा जॉन सीना और रोमन रेंज के खिलाफ ही चैंट्स कर रहा था। रोमन के खिलाफ चैंट्स करने वाले ये भूल जाते हैं कि रोमन रेंज के नाम बेस्ट रिकॉर्ड हैं रॉयल रंबल के। रोमन रेंज पिछले 10 महीने से क्राउड का ऐसा ही रिएक्शन झेल रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि वाकई उनमें बहुत पेशेंस है, बावजूद इसके वो लगातार परफॉर्म करते आ रहे हैं रिंग के अंदर, और शायद यही वजह है कि रोमन रेंज अब तक टाइटल से दूर हैं। तो फ्रेंड, ये थे कुछ आंकड़े जो साबित करते हैं रोमन रेंज को किंग रॉयल रंबल का। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक करे बिना कहीं मत जाइएगा, और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल के सब्सक्राइब बटन पर ट्रैप बाय समोन ड्रॉप स्पीयर मार्केट चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।